Thank you very much indeed, Ashwini ji, for joining us. Now, you filed the petition, court has passed an order, but the important question here that we wanted to understand is that when one talks about forcible conversion and the fact that it's such a big risk, what is the evidence, what is the proof that there is in fact large-scale forcible conversion? नहीं कन्वर्जन का प्रूफ तो आप ऐसे देख लो, यूएस यू गूगल द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, आपको ये पता चलेगा कि बिफोर 200 ईसा से 200 साल पहले इंडिया की पॉपुलेशन 14 करोड़ थी और 17वीं शताब्दी में भी इंडिया की पॉपुलेशन 14 करोड़ थी. दूसरा इसका एविडेंस ये है, 6th और 7th सेंचुरी में हमारी पॉपुलेशन 40 करोड़ थी. इंडिया की पॉपुलेशन 40 करोड़ थी और आप अगर देखेंगे तो 17th सेंचुरी तक लगातार वो कम होते होते 14 करोड़ पे आ गई है. लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती है, भारत की पॉपुलेशन घटी है. अच्छा, 40 से 39, 38, 25, 27 ऐसे करके आप डेमोग्राफी ऑफ इंडिया करके पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आप ढूंढोगे. यार रिस्पेक्टफुली वी आर इन 2022, सो वी आर टॉकिंग ऑफ, आई एम प्रेज्यूमिंग यू आर टॉकिंग ऑफ द करंट सिचुएशन. वेयर इज द करंट एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल फोर्सिबल कन्वर्जन? मैंने ये पीएल तब फाइल किया जब तमिलनाडु में लावण्या ने सुसाइड किया, उसके केस में लीपापोती हो रही थी. तो इसलिए मैंने, मेरी पहली प्रेयर ये थी कि इस पूरे मामले को एनआईए या सीबीआई को दिया जाए. दैट वाज माय फर्स्ट प्रेयर. सेकंड प्रेयर, मैंने उसमें स्टेट वाइज डेटा दिए हैं कि किस तरीके से हिंदू लगातार ख़त्म हुआ पिछले 75 ईयर्स में. फॉर एग्जांपल, लक्षद्वीप में कि हिंदू केवल 2% बचा हुआ है, ओनली 2%. नागालैंड में हिंदू केवल 8% बचा हुआ है, मिजोरम में केवल 2% बचा हुआ है, मेघालय में केवल 11% बचा हुआ है, कश्मीर में केवल 2% बचा हुआ है. आप स्टेट वाइज देखें तो ऐसा आपको पर डे वीडियोस मिलेंगे जहां पे रोज चंगाई सभा हो रही है और किस तरीके की मीटिंग्स हो रही है. कई चीजें आप जोड़ रहे हैं. लेट्स जस्ट स्टिक टू योर पॉइंट अबाउट द फैक्ट दैट पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डेटा यू आर साइटिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर इज सम चेंज इन डेमोग्राफिक डेटा, वन कम्युनिटी इज कमिंग डाउन, हाउ इज दैट प्रूफ ऑफ फोर्सिबल कन्वर्जन? बिकॉज कन्वर्जन एज यू नो इज लीगल अंडर द लॉ, वी कैन ऑल कन्वर्ट. योर प्ली इज अगेंस्ट फोर्सिबल. So how is a shift in demographics proof of forcible conversion? No, I have given the data, I have given the some fact कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके की चंगाई सभा हो रही है. कहाँ चंगाई सभा मीनिंग कन्वर्जन? चंगाई सभा मीन्स कहते हैं आ जाओ, आपका जी आपका कैंसर ठीक कर देंगे, आपका घुटना ठीक कर देंगे, आपकी नपुंसकता ठीक कर देंगे, आपका बाजपन ठीक कर देंगे. ओके, तो ऐसी चीजों में जिस रिलीजन के हेड खुद व्हील चेयर पे चलते हैं, जिनके घुटने का इलाज वो खुद नहीं कर पा रहे, वो गरीबों को बुला बुला के उनका घुटना ठीक कर रहे. तो इसलिए मैंने, और इसी तरीके से कन्वर्जन है, ब्लैक मैजिक है, काला जादू है, अंधविश्वास है. इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहां पे ब्लैक मैजिक के खिलाफ कानून बनाया. आई नो, बट अगेन ब्लैक मैजिक इज अ डिफरेंट पॉइंट. कन्वर्जन, अगेन वी आर कमिंग बैक टू फोर्सिबल कन्वर्जन. नाउ इफ वन लुक्स एट सम ऑफ द एग्जांपल जो आपने पिटीशन में, लाइक यू सेड, आई हैव गिवन एग्जांपल्स इन योर पिटीशन. You said that there are two US based Christian missions which converted something like 21,000 people in the year 2010. Yes. What is the, firstly, there is no source for this. What is the source of this information? And again, what is the evidence to suggest forcible conversion? वो evidence मैं court में दूंगा, वो आपको थोड़ी दूंगा. वो सारे evidence मैं court में दूंगा, वो सारे evidence मैंने government को दिए हुए हैं. But your, ये आपका petition already court में है? नहीं नहीं, वो court में है. इसके अलावा supplementary affidavit भी मेरा है, additional document भी है. आपके पास जो है वो असली नहीं है, वो मतलब एक कॉपी है. उसके अलावा एडिशनल एफिडेविट भी है, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट भी है. नहीं, आप कह रहे हैं असली नहीं है ये, आपका ये आपका, ये आप ही का कोर्ट में सबमिटेड हुआ पेटिशन है. तो आपने एक कॉपी है आपको जो दिया है, मैंने वो एक कॉपी दिया हुआ है. इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट भी है जहां हमने ये बताया है कि फंडिंग का क्या क्या जरिया है. उसमें एनएफसीआरए की जो फंडिंग आ रही है, किन किन एनजीओ को जा रही है, उसका हवाला दिया है. मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो आया है पैसा, खाड़ी देशों से आया है, उसमें मैंने कुछ एनजीओ के नाम लिए हैं. जो सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने ये दिया, आर्टिकल 14 का वायलेशन. आर्टिकल 14 से इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. आज की डेट में यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ है, तो यानी आप गाजियाबाद में कन्वर्जन करोगे तो आप क्राइम हो गया. लेकिन आप इंटर कर जाओ आनंद विहार में दिल्ली के, तो कन्वर्जन क्राइम नहीं है. आप अगर नोएडा में कन्वर्जन करते हो, क्राइम है. कन्वर्जन इज नॉट अ क्राइम. कन्वर्जन कांट बी अ क्राइम. नो सर, यू कांट कंफ्यूज फोर्सिबल कन्वर्जन एंड कन्वर्जन. दोनों अलग अलग चीजें हैं. कन्वर्जन बाय डिसिटफुल कन्वर्जन, बाय इल्यूरमेंट, बाय इंटिमिडेशन, बाय यूजिंग ब्लैक मैजिक, बाय यूजिंग एनीथिंग. सो अगर हम अपने आप खुश होके, मैं किसी किताब को पढ़ के खुश होके अपने आप अगर हो जाता हूँ, इट्स
We have right. So I am again asking you respectfully that all the examples, like I said, I cited that these US NGOs, you're saying that this is not correct, you will submit it in court. Now again, you talked about... correct, but supporting documents. Yes. Okay, then you also cited some examples where children were, according to you, forcibly converted in Christian school. Yes. Like you mentioned the case of Lavanya, who had committed suicide in Tamil Nadu. Yes. Children in convent schools in Madhya Pradesh were forcibly converted, etc. Yes. Yes. Again, if you've gone into this, because aap individual instances ki ab baat kar rahe hain, इस पे रिपोर्टिंग हुई है, पीपल हैव गॉन इन एंड लुक्ड, जैसे मध्य प्रदेश वाला केस है, उसमें ये पता चला कि वो चिल्ड्रन पहले से ही कन्वर्टेड थे. मध्य प्रदेश पुलिस ने खुद माना है कि वहाँ फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं है. पूरे देश में कन्वर्जन हो रहा है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ कन्वर्जन नहीं हो रहा है, वो सारे ट्राइबल बेल्ट्स में कन्वर्जन. कन्वर्जन इज नॉट इलीगल. कन्वर्जन मीन्स फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन. कन्वर्जन मीन्स कन्वर्जन कन्वर्टिंग बाय इंटिमिडेशन और लिवरिंग समथिंग और स्कूल अगेंस्ट प्रूफ में एडमिशन देने का वादा करके या हॉस्पिटल में इलाज कराने का वादा करके. बट सर, दीज आर ऑल जनरल स्टेटमेंट्स. बोलने को वी कैन मेक अ लॉट ऑफ जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एज अ लॉयर यू नो दैट व्हाट मैटर्स इज व्हाट कैन बी प्रूव्ड. एनडीटीवी इज नॉट कोर्ट ऑफ लॉ. आई विल प्रूव इन सुप्रीम कोर्ट. एनडीटीवी इज नॉट कोर्ट ऑफ लॉ. नहीं नहीं, वी आर नॉट. मैं आपको जितनी बात बताना चाह रहा हूँ उतना बताऊंगा, उसके अलावा थोड़ी बताऊंगा. सारी बात आपको नहीं बताऊंगा. आप ही की बातों से हम उठा रहे हैं, मतलब कोई बाहर से नहीं. जैसे आपने कुछ काफी एग्जाम्पल साइट किए हैं कि जहाँ स्कूल्स में बच्चों को अपने हिंदू रिलीजियस जैसे रुद्राक्ष हो गया, ये सारी चीजें हटाने को कही गई. यू गिवन सम 6 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. वी वेंट थ्रू ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स. अगेन, देयर इज नथिंग टू शो दैट दिस इज फोर्सिबल कन्वर्जन. मान लीजिए सही भी है दैट इन सम स्कूल सम चाइल्ड वाज मेड टू रिमूव अ बिंदी और अ रुद्राक्ष. हाउ इज दिस प्रूफ ऑफ फोर्सिबल कन्वर्जन? अगर चलो ठीक है, मान लेते हैं एनडीटीवी के हिसाब से देश में कन्वर्जन नहीं है ना, तो अगर कन्वर्जन हमने कहा है, जस्ट प्लीज इमेजिन, वी आर टॉकिंग ऑफ लार्ज स्केल फोर्सिबल कन्वर्जन, व्हिच इज द एलिगेशन और व्हिच इज द क्लेम यू मेड, वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश. एनडीटीवी, हाउ इज दैट एस्टैब्लिश्ड थ्रू योर पिटीशन? एनडीटीवी और श्रीनिवासन के हिसाब से कोई कन्वर्जन नहीं है. चलो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, ये हम मान लेते हैं. मैं कह ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कन्वर्जन सर इज लीगल. कन्वर्जन लीगल भी है, हो भी रहा है और होता रहेगा. लार्ज स्केल इलीगल कन्वर्जन, लार्ज स्केल, ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल इंस्टेंसेस नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें गलत होती हैं. लार्ज स्केल इलीगल कन्वर्जन का प्रूफ मैं आपसे रिस्पेक्टफुली पूछ रहा हूँ. सवाल एक मिनट का होना चाहिए, तो जब आप 5 मिनट का, तो आप सवाल आपका 5 मिनट चल रहा है. मैं आपको मिसकोट कर रहा हूँ. मैं मिसकोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर भारत में सब लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप बत्ती तोड़ने पे, ट्रैफिक वायलेट करने पे आप 10,000 रुपये भी पेनल्टी कर दो, किसी को खतरा क्यों? किसी को डरना ही नहीं चाहिए. अगर लोग वास्तव में ट्रिपल तलाक नहीं दे रहे थे, तलाक खिलाफ कितना भी कठोर कानून बना, किसी को डरना ही नहीं चाहिए. तो वास्तव में अगर कन्वर्जन हो नहीं रहा है, तो इतनी फड़फड़ाहट क्यों, इतना घबराहट क्यों, इतनी चिंता क्यों? फिर एक सेंट्रल लेवल पे एक्ट आ जाने दीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो हमने बेसिकली क्यों एंटी कन्वर्जन लाया. फड़फड़ाहट आप जो कह रहे हैं, घबराहट कहाँ है? घबराहट है बहुत सारे लोगों में, घबराहट आप में नहीं, आप तो कूल फील हो रहे हैं. लेकिन है नहीं, नहीं, मैं सबूत पे हूँ. जैसे आपने आपके पिटीशन पे पूछना चाहता हूँ. आपने बल्कि एक आपने खबर उसमें दिया है कि एक वीडियो वायरल हुआ था कि किसी लड़के को तमिलनाडु के स्कूल में पिटाई हो रही है क्योंकि उसने रुद्राक्ष पहना था. द एलिगेशन वॉज कि उसका क्रिश्चियन टीचर था जो उसकी पिटाई कर रहा था. ये खबर निकल के आई है कि ये फेक है. उस वीडियो में वो न क्रिश्चियन टीचर था, ना वो कोई कॉन्वेंट स्कूल था, वो एक हिंदू टीचर था जो किसी दलित बच्चे को अनफॉर्चुनेटली पीट रहा था क्योंकि वो स्कूल में लेट आया था. सो दिस इज एक्चुअली पोटेंशियली, आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज यू सबमिटेड दिस इन कोर्ट एज योर सीनियर लॉयर, दैट दिस मे एक्चुअली इवन बी फेक न्यूज. नहीं नहीं, मैंने कहा ना एनडीटीवी के हिसाब से कोई कन्वर्जन नहीं है, किसी तरीके का फ्रॉडलेंट कन्वर्जन नहीं है, ना यहाँ पे एनजीओ में कोई फंडिंग हो रही है, फॉरेन फंडिंग हो रही है, ना इस तरीके कोई कुछ नहीं हो रहा है. मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको जस्टिफाई नहीं कर सकता. सर, हम स्पेसिफिक केसेस के बारे में पूछ रहे हैं जो आपने खुद अपने पिटीशन में मेंशन किया है. मैं तो आपको कह दिया ना, जो मुझे प्रूव करना है मैं कोर्ट में प्रूव करूंगा. अगर कन्वर्जन नहीं है तो आप एजेंडा क्यों चला रहे हो? आप इतने परेशान क्यों हो? एंटी कन्वर्जन ला आने दो, खत्म बात हो गई. एजेंडा की बात नहीं है सर. एंटी कन्वर्जन ला आने से नेशनल लेवल पे एनडीटीवी को दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं, नहीं, आपको तो कहना चाहिए भैया कठोर कानून बनाओ, 10 साल सजा कानून बनाओ, 20 साल सजा कानून बनाओ. कौन होते हैं? हम तो जो खबर है, अरे आप लगातार उसको निगेट करने की कोशिश कर रहे हो. आप उसको लगातार आप एजेंडा चला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो. हम आपके एजेंडा चला रहे हो. आपके पिटीशन से ही जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं, उससे हम बाहर. तो मैंने आपको क्या कहा
भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो गए, उसका सबसे अच्छा। बड़ा कारण यह है, ऐसा नहीं है कि हिंदू हिंदू नपुंसक हो गए, ऐसा नहीं है हिंदू महिलाओं के बच्चे नहीं पैदा होते, ऐसा नहीं है। ये कन्वर्जन ही इसका बड़ा कारण है, जो लगातार डेमोग्राफी कम हो रही है। नागालैंड में जो हो रही थी पहले, मेघालय हो रही थी, मिजोरम हो रही थी, जो अरुणाचल हो रही थी, जो बाकी जगह हो रही थी, अब वो पूरे देश में हो रही है, यूपी बिहार में भी हो रही है। हमारा जो कंसर्न ये है, आर्टिकल 14 से इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर यूपी के लोगों को कन्वर्जन की प्रोटेक्शन है, एंटी कन्वर्जन की प्रोटेक्शन है, तो दिल्ली के लोगों को भी होना चाहिए। आज की डेट में दिल्ली सबसे कहते नहीं सेफ हेवन बन चुका है, यहाँ पे ये सबसे सुरक्षित। तो दिल्ली की आप बात कर रहे थे, आप एक्चुअली दिल्ली हाई कोर्ट में आपने पिटीशन भी फाइल किया था, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी सिमिलर प्ली पे, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है उस पे कि देयर इज नॉट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन इज गिवन इन योर पिटीशन, कोर्ट ने कहा है। हाँ हाँ, तो वो हमने पुरानी थी उसको वापस ले लिया, हमने उसमें नए डेवलपमेंट किए उसके बाद। और आपको पता है कोर्ट ने बिल्कुल वैलिड माना, इसीलिए लावण्या की डेथ में सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, सीबीआई जांच हो रही है ना, तो वेट करिए सीबीआई जांच का, आने दीजिए, क्या दिक्कत है? आप पहले इतना इन्वेस्टिगेशन परेशान हो रहे हैं, मतलब श्रीनिवासन को क्या दिक्कत हो गई, ऐसा क्यों एजेंडा चला रहे भैया? थैंक यू। क्वेश्चन तो ले लीजिए आप, तो क्वेश्चन से, अरे भैया हो गया, आप 10 मिनट से क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हो, आपके सारे क्वेश्चन हो गए। आपने स्पेसिफिक इंस्टेंसेस मेंशन किए हैं पिटीशन में, वो कहां से आपने कंपाइल किया है? पिछले 10 मिनट से आप सवाल सवाल कर रहे हो, आप केवल एजेंडा चला रहे हो, कोई सवाल पूछना नहीं है। आप केवल आप इंटरव्यू से सर वॉकआउट कर रहे हैं, आप फॉरेन फंडेड एनजीओ को बचाना क्यों चाहते हो? मैंने ये कहा है हवाला के खिलाफ कठोर कानून हो, कन्वर्जन के खिलाफ कठोर कानून हो। अगर सवाल आपके, आप भाई साहब 15 मिनट हो गए, आपको 15 मिनट से आपसे लगातार बात कर रहा हूँ, मुझे दूसरी कोर्ट में जाना है। मैं कहीं ना कहीं क्या एक सवाल उठता है कि ये जो आपकी पूरी लाइन आपने ली है, इज दिस वाकई टू डू विद लॉ, और इज दिस कमिंग फ्रॉम सम आल्सो प्रेजुडिस, मतलब कहीं ना कहीं आप एंटी माइनॉरिटीज हैं तो नहीं आ रहा सामने? कंप्लीट आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि नोएडा में कन्वर्जन ऑफेंस है, इलीगल कन्वर्जन, फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन, और दिल्ली में नहीं है। गुड़गांव में कन्वर्जन ऑफेंस है और दिल्ली में नहीं है, तो कंप्लीट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है। ये आपने कहां से, जैसे मरे, वेयर डू यू, आपने ये आइटम्स कहां से कंपाइल किए, लाइक जो आपने सारी लिस्ट दी है, वेयर हैव यू, वेयर हैव यू? मैटर ऑफ कंसर्न सर, लाइक वी सेड, एटलीस्ट वन इंस्टेंस इज अ क्लियर कट केस ऑफ फेक न्यूज़ दैट हैज बीन साइटेड इन योर पिटीशन। मैं उसको एनडीटीवी फिलहाल नहीं बताने वाला हूं। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू वेरी मच इंदी सर।